रास्ता खातिन उदा खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी मुर्गियों का सेटअप दिखाऊंगा। मैंने मिस्री मुर्गियां रखी हैं अंडों के लिए घर के इस्तेमाल में। मैं ये जी पिंजरा है, एक ये पड़ा है, उसमें नीचे ये पट्टे पड़े हैं, मुझे मेरे कज़न ने दिए थे क्योंकि उसने शौक़ ख़त्म कर दिया। मैं तो ऐसे ही अंडों के लिए रखे थे तो मैंने उसे ले लिए। ये मैंने मुर्गे मैंने चूज़ा छोटा रखा था तो ये मैंने बड़ा किया था। ये इसके साथ में और भी मुर्गी थी, एक मुर्गा था, एक मुर्गी वो मर गई। उसके अलावा इन तीन के अलावा एक ये है यहाँ पे, ये दो मुर्गी हैं और एक मुर्गा है। ये मुर्गा जो है ये भी मेरे कज़न ने मुझे दिया है, भी मिस्त्री है, मेरे कज़न ने मुझे दिया था। ये मुर्गा ये मुर्गी भी मैंने किचन में किया हुआ है शौक। तो अभी मुर्गियों को तो मैं किचन से बाहर निकालूंगा, बाहर सेटअप बनाऊंगा गर्मियों के लिए। अभी सर्दियां तो अभी अंदर रखा है। इसके अलावा कि मैं तोते रखूंगा इन खानों में, बड़े पिंजरों में, यहाँ पे इसमें। मैंने कज़न से बात की है, उनका उन्होंने कहा कि वो मुझे तोते देंगे आगे फ्यूचर में, तो बजी घर होगा नुमा टाइप को, तो वो रखूँगा आगे मैं। इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे इस सर्दी है तो मैं कुत्ता जो है वो यहाँ पे किचन में ही होता है, मैंने इसके जगह बनाई हुई है। तो इधर ये जी मेरा रशियन कुत्ता है, ये इधर किचन में होता है सर्दियों की वजह से। तो ये भी मेरा सेटअप है किचन में जो है। अभी आगे इंशाल्लाह जो गर्मियाँ आएंगी तब मैं मुर्गियों के लिए भी सेटअप बनाऊंगा। बाहर बनाया हुआ है पर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी मुर्गियों का ही सेटअप है। ये मैं इनको दाना देता हूँ, इसके अंदर फीड भी मिक्स ही है। ये इनका दाना है, ये आप देख सकते हैं इनके दाना, फीड भी है इसमें। इसके अलावा ये चावल डालता हूँ, इनके टोटा जो होता है मुझे चावल डालता हूँ मुझे, और बाकी एक कंटेनर में भी बाकी सारा रखा है। इसके अंदर भी फीड ही है इनके लिए। तो ये अभी तक तो मेरा सेटअप है, आगे इंशाल्लाह कबूतर रखने का भी इरादा है मेरा और तोतों का भी है। तो इंशाल्लाह आगे मैं तोते रखूँगा, इसके अंदर शुरुआत करूँगा, छोटे बच्चे लाऊँगा पट्ठे इसके अंदर रख के उनको बड़ा करके फिर इंशाल्लाह इधर ब्रीडिंग के लिए इधर डाल दूँगा। मेरा यही इरादा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना कि आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए, क्या चाहते हैं कि मैं आगे कौन से पेट्स वो करूँ। इंशाल्लाह कल या परसों शायद आपको मैं फॉर्म पे भी अपडेट दूंगा, यहाँ पे वो बकरियाँ रखी हुई हैं। तो ये शुक्रिया देख वीडियो देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।